ठीक है, रावण का दहन करते हैं, बढ़िया बात है। उसने काम भी ऐसा किया था, सीता माता का अपहरण किया था, लेकिन उसने सीता माता को कभी हाथ तक नहीं लगाया था। तो मेरे ख्याल से यार दहन उन लोगों का करना चाहिए जो लोग लड़कियों का रेप करते हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज है 24 अक्टूबर यानी कि दशहरा। सबसे पहले तो यार आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। तो यार आज दशहरे के इस पावन उत्सव पर जोमेटो ने कुछ बढ़िया बढ़िया ऑफर लगा रखे हैं, जैसे कि सुबह 8 बजे से रात 12 बजे के बीच में अगर हम 32 ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो हमें 800 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। मतलब जितनी हमारी अर्निंग होगी उसके ऊपर से 800 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे। लेकिन ये 32 ऑर्डर करना भाई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि दशहरे के कारण जगह जगह मेला लगा रहता है और रश इतना ज्यादा हो जाता है, एक एक ऑर्डर डिलीवर करने को आधा आधा एक एक घंटा लगता है। तो ऑफर पता नहीं क्या सोच के जोमेटो ने लगाया कि भाई 32 ऑर्डर डिलीवर करने, वो भी दशहरे के दिन। चलो कोशिश ये करेंगे कि हम 35-36 ऑर्डर डिलीवर करें, क्योंकि अगर हम ज्यादा का टारगेट लेके चलेंगे ना तभी 32 ऑर्डर हो पाएंगे भाई। ऑफर तो और भी हैं यार, जैसे 28 ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो हमें 650 रुपये आएगा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन हमारी जो आंख है ना भाई, वो 800 रुपये वाले ऑफर के ऊपर है। तो देखते हैं आज अपना ऑफर होगा पूरा नहीं होगा, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कितने का पेट्रोल लगता है और कैसा हमारा दिन जाता है आज का। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं आप लोगों से सीधा मोटो ब्लॉगिंग मोड में। टाइम हो चुका है पूरे सुबह के 8 और अभी अपनी आईडी वगैरह लॉगिन कर लेते हैं। अगर फोटो ना मांगे तो बढ़िया रहेगा, अगर फोटो मांगेगा तो भाई फोटो देनी पड़ेगी। टेक सेल्फी, फोटो देनी पड़ेगी भाई इसे। अभी देखते हैं कि अपना पहला ऑर्डर कब गिरेगा। एक्चुअली संडे वाले दिन तो मैं सुबह सुबह ऑन कर लेता हूँ, संडे वाले दिन तो सुबह काम होता है। आज है दशहरा तो आज देखते हैं कि सुबह कैसे काम निकलता है भाई। तो भाई श्रावण नगर में अपन ने अपनी आईडी लॉगिन की थी ना, और अपने को पहला ऑर्डर भी गिर चुका है जो कि निक बेकर से उठाना है, किप्स मार्केट से। तो अभी देखते हैं ऑर्डर रेडी है नहीं है। तो यार पहला ऑर्डर तो पड़ गया अपने को, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सुबह सुबह 5 मिनट के अंदर पहला ऑर्डर भाई साहब, रिच पिकअप कर। अरे 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 रिच पिकअप हो जा भाई। अरे भाई 21 मिनट डाल रखा टाइम, ये देखो भाई 21 मिनट है ऑर्डर रेडी होने को। भाई आधा घंटा यार रुकना पड़ेगा मेरे को। अरे 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 ये क्या सीन है बाबा। और जाना कहाँ पर है, 42 रुपी का ऑर्डर है, राजगुरु नगर में जाना है। सही है भाई, बट 21 मिनट यार। चलो वेट कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं। चलो भाई ऑर्डर तो मिल गया अपना, 21 मिनट तो वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ 17-18 मिनट वेट करना पड़ा मेरे को। जाना है राजगुरु नगर में। अरे 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 कैमरे में टच हो रहा है भाई, खींचते हैं यार थोड़ा। अभी सुबह सुबह रश कम है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे हम भाई। यार आज है दशहरा, दशहरे के दिन ना हजारों सालों से यह प्रथा चलती आ रही है कि रावण का दहन करते हैं। ठीक है, रावण का दहन करते हैं, बढ़िया बात है। उसने काम भी ऐसा किया था, सीता माता का अपहरण किया था, लेकिन उसने सीता माता को कभी हाथ तक नहीं लगाया था। तो मेरे ख्याल से यार दहन उन लोगों का करना चाहिए जो लोग लड़कियों का रेप करते हैं। मेरे ख्याल से वो लोग हैं असली रावण, जो हर लड़की को गलत निगाह से देखते हैं, लड़कियों को बिन फालतू बुरा भला कहते हैं, मार पिटाई करते हैं अपनी घरवाली के साथ या किसी के साथ भी। रेपिस्ट हैं जो, वो भाई रावण कहलाने के लायक भी नहीं है। रावण तो इतना ज्ञानी बंदा था, लेकिन मेरी नज़र में दहन उन रेपिस्ट का करना चाहिए। उन लोगों को दशहरे के दिन जिंदा जलाना चाहिए रावण की जगह, भीड़ इकट्ठी करके, ताकि लोगों के मन में एक ना डर सा बैठ जाए कि भाई अगर हम ये काम करते हैं तो अपने साथ ये कुछ होगा, इतना तड़फा के मारेंगे तो भाई अपना इंडिया सुलझेगा, सुधरेगा और आगे बढ़ेगा। मेरी तो ये राय है, आपकी क्या राय है कमेंट में बताना आप लोग। मैंने सही कहा या गलत कहा कि रेपिस्ट का दहन करना चाहिए दशहरे के दिन, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। तो चलो अपना पहला ऑर्डर हम डिलीवर करने चलते हैं, उसके बाद कुछ कुछ और ज्ञान की बातें करेंगे आज भैया। ऑर्डर था, ओ सॉरी, ओ माय गॉड, ओके नो प्रॉब्लम। सर पहले ये पकड़ना,
थैंक यू सर, सर सॉरी वो नीचे गिर गया था। चलो भाई अपना पहला ऑर्डर डिलीवर, अभी वापस चलेंगे सराबा नगर की तरफ। तो यार मैंने अपनी गिग जो रात 11 से 12 बजे है ना वो भी बुक कर दी भाई। अभी अपन 16 घंटे नॉनस्टॉप काम करने वाले हैं, सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक। भाई 32 ऑर्डर तो बनते हैं यार, अब तो बनते हैं भाई, अब तो होने चाहिए। अभी काम नहीं मिल रहा यार, क्या किया जाए। तो लो भाई अपने को दूसरा ऑर्डर भी गिर चुका है, सागर रत्ना से उठाना है। 900 मीटर का पिकअप है, 10.5 किलोमीटर का ड्रॉप है, 81 रुपी का ऑर्डर है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई 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 ये बनी ना बात, मल्टी ऑर्डर कर दिया भाई, दोनों ही सेम कस्टमर डिलीवरी है भाई साहब। एक ही कस्टमर को जाकर डिलीवर करना है, कितना टाइम बचेगा हमारा और दो ऑर्डर भी काउंट हो जाएंगे भाई। बस इसको देखें कितना टाइम है, एक को अरे 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 एक को चार, एक को 14 मिनट है और एक को 5 मिनट है। 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं भाई, वहाँ से भी खाली आना ही पड़ता, 10 मिनट 15 मिनट वहाँ से खाली आने में लग जाते, अभी यहाँ पर खड़े होकर वेट कर लेते हैं और क्या। तो चलो भाई दोनों ऑर्डर हो गए अपने पिक, और ये दोनों ऑर्डर सेम कस्टमर को देने हैं भाई। सबसे बड़ी बात पता क्या है, सेम कस्टमर को देने हैं। 10 किलोमीटर जाना है, 9:13 हो रहे हैं और 9:30 तक मेरे को कस्टमर तक पहुँचना है भाई। मतलब 17 मिनट में 10 किलोमीटर मेरे को कवर करना ही करना है जैसे भी करके। हेलो थैंक यू। तो चलो भाई दोनों ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं यहाँ से। इसके कितने मिले, अरे 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 108। अरे सही है भाई, 10 किलोमीटर के करीब आया मैं और 108 रुपये मिल गए अपने को। थैंक यू सर। हेलो थैंक यू। तो यार अभी स्टार्ट हो चुका है अपना लंच टाइम, टाइम हो रहा है 12:15 और लगभग 4 घंटों में मैंने 8 ऑर्डर डिलीवर कर दिए और जो मेरी अर्निंग हुई है ना 337। तो भाई इसी के साथ रश भी होना स्टार्ट हो चुका है, 2 घंटे में ना पूरा लुधियाना शहर ट्रैफिक हो जाएगा भाई, मतलब जाम हो जाएगा पूरा लुधियाना शहर, इतना गंदे वाला रश होने वाला भाई। 32 ऑर्डर होने तो चाहिए यार 16 घंटों में, अभी 12 घंटों में मेरे को चाहिए 24 ऑर्डर चाहिए, तो होने तो चाहिए, बाकी देखते हैं क्या बनता है। बिकॉज ट्रैफिक की वजह से अगर हर ऑर्डर को टाइम लगेगा फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि 32 ऑर्डर करने हैं यार, इंसेंटिव के लिए ही तो काम करने आए हैं आज मंड मार के। रेट तो कुछ भी नहीं मिल रहा, अभी 3 किलोमीटर आया था 24 रुपये मिले सिर्फ, 3 किलोमीटर के 24 रुपये। अभी 3 किलोमीटर वापस भी जाऊँगा तो 6 किलोमीटर हो गया, तो पल्ले तो भाई कुछ भी नहीं पड़ रहा, मन मार के आए हैं आज। कोशिश करेंगे, करवाना ना करवाना उसके हाथ में। तो अभी मैं वापस सराबा नगर पहुंच चुका हूँ, देखते हैं यहाँ से ऑर्डर गिरता नहीं गिरता। तो भाई साहब सराबा नगर में मैं आया ही था और जहाँ से मेरे को ऑर्डर गिरा है, छोटा सा ऑर्डर है, 2.2 किलोमीटर जाना है 25 रुपी का, मॉडल टाउन में जाना है स्टारबक्स से उठा के। स्टारबक्स से मैंने ऑर्डर उठा लिया और अभी इसको देने जा रहा हूँ। तो सही है यार, आज का 9वां ऑर्डर है अपना, इसके बाद 21 ऑर्डर रह जाएंगे अपने, देखते हैं भाई क्या बनता है यार। 477। तो यार फाइनली यार ऑर्डर डिलीवर करके मैं सराबा नगर में आ गया था, मेरे को अभी एक और ऑर्डर गिरा है जो कि टिम होटल रेस्टोरेंट से उठाना है। 300 मीटर का पिकअप है और 100 मीटर के करीब ड्रॉप है। मेरे ख्याल से बंदा रेस्टोरेंट के बीच में ही होगा या फिर इधर उधर बैठा होगा। तो चलो जल्दी से ये ऑर्डर जाते हैं, पिक करते हैं और डिलीवर करते हैं, अपने 10 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे इसी के साथ। सही है यार, इसके बाद 22 ऑर्डर्स और रह जाएंगे अपने। जैसा कि मैंने बोला था टिम होटल के अंदर ही बैठा होगा कस्टमर, तो वहीं से उठाया, वहीं से डिलीवर कर दिया और वहीं से डिलीवर किया, और मेरे को एक और ऑर्डर गिर चुका है टिम होटल से ही। ऑर्डर रेडी होने को 3 मिनट हैं और ये जाना है मेरे को रोज़ होटल हॉस्टल। अरे भाई 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 भाई, जिस चीज़ का डर था वहीं पर जाना है मेरे को भाई, क्लॉक टावर की तरफ जाना है, उधर बहुत ज़्यादा रश होगा। चलो देख लेते हैं भाई क्या बनता है। चलो भाई 3-4 मिनट लग गए इसको पिक करते और जाना, यार गलत एरिए का ऑर्डर पड़ गया। अब बस उधर से वापसी मिल जाए, उधर क्या उधर मत घुमाए नहीं तो भाई पंगा हो जाएगा अपने इंसेंटिव के साथ, क्योंकि उधर एक एक ऑर्डर को आधा आधा घंटा लगेगा भाई, एक एक किलोमीटर को। यार इसी चीज़ का डर था मेरे को, अभी वो वाली जो रोड है ना उस पर पूरा रश है, मैप में सारा लाल शो हो रहा है,
और यार मैं आप लोगों को पता नहीं बताया, पता नहीं, हर सात ऑर्डर के बाद ना स्पिन मिलेगा। स्पिन में प्राइजेस रखे हैं लोगों ने, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये और इंडिया की टी शर्ट और एक वाउचर। तो मेरा एक स्पिन हो चुका है। एक्चुअली मैंने GoPro ऑन करके वो स्पिन किया था, तो GoPro मेरा हैंग हो गया था, पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड हुई होगी, पता नहीं नहीं, अगर हुई होगी तो उसका क्लिप आप लोगों को मिल जाएगा देखने को, नहीं तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि उसमें मेरे को सिर्फ 20 रुपये निकले थे हर 7 ऑर्डर के बाद। जैसे 7 ऑर्डर पर पहला स्पिन खुला, 14वें ऑर्डर पर दूसरा स्पिन खुलेगा, ऐसे ऐसे करके। तो जस्ट 800 मीटर बचा भाई, इतना जाम भी नहीं है यार जितना यहाँ पर रेड शो कर रहा था ना मैप में, डरा दिया था भाई शुरू में मेरे को, इतना जाम भी नहीं है, 800 मीटर ही बचा है, आराम से आ गए यार। मेरे को 10 मिनट भी नहीं लगे भाई 6 किलोमीटर आने में। सही है भाई, सही है, मतलब अभी जाम नहीं है, जैसे जैसे दिन ढलेगा ना, रावण दहन का टाइम नज़दीक आएगा, वैसे वैसे यहाँ पर रश बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसी एरिए में लुधियाना का सबसे बड़ा, लुधियाना का क्या, पंजाब का सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है। और जो रावण लगे हैं, पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया पता नहीं, 120 फीट ऊंचे लगे हैं पूरे पंजाब से, पंजाब के सबसे ऊंचे रावण। और उन पर जो कपड़ा लपेटा गया है ना, वो भाई USA से आया है, वाटरप्रूफ है, मतलब अगर 4-5 दिन लगातार भी बारिश होती रहेगी ना, तब भी ऐसा नहीं होगा कि उसको आग ही नहीं लगेगी, तब भी वो आग पकड़ लेगा, ऐसा कपड़ा है वो। तो चलो ये ऑर्डर डिलीवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। बस दरेसी ग्राउंड की तरफ ना भेजे मेरे को भाई, दरेसी ग्राउंड में ही लगता है ना दशहरा। तो चलो भाई, वो ऑर्डर भी मैंने डिलीवर कर दिया, अभी जा रहा हूँ वापस सराबा नगर की तरफ, अगर रास्ते में कोई ऑर्डर गिरेगा देख लेंगे, फिलहाल हम निकलते हैं सराबा नगर की तरफ। काम कम है मेरे ख्याल से, शायद ही गिरे यार, मतलब जो दशहरे वाला माहौल होना चाहिए ना काम में, वो माहौल नहीं है यार, बहुत कम ऑर्डर गिर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो भाई जिस हिसाब से मैं सुबह से आया हूँ ना, सुबह भी इन लोगों ने वेला का 15-15, 20-20 मिनट मेरे को वेला बिठा रखा था, वैसा होना नहीं चाहिए था, धक्का मुक्की पड़ नहीं रही थी भाई, था नहीं काम सुबह। अभी देखते हैं क्या निकलता है। थैंक यू, थैंक यू, ब्रेक खुले है 300 रुपये, थैंक यू ब्रे, थैंक यू, रेटिंग कर दो। अपने ऑर्डर हो चुके हैं, इस ऑर्डर के बाद अपने 25 ऑर्डर हो जाएंगे भाई, और रह जाएंगे 7 ऑर्डर। अभी टाइम हो रहा है 7:15, तो अपने पास अच्छा खासा टाइम है भाई 7 ऑर्डर निकालने के लिए, बट हम कोशिश करेंगे कि 10 ऑर्डर निकालें, 10 ऑर्डर निकालेंगे तो एक स्पिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने को, 28 ऑर्डर्स पर है, उसके बाद 35 ऑर्डर पर मिलेगा, 10 ऑर्डर लगाऊंगा तो 35 ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे और एक स्पिन मिल जाएगा, फिर हमें एक और चांस मिल सकता है 2000 रुपये जीतने का। तो ये ऑर्डर देना था 6.4 किलोमीटर जो कि मैं डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली 7 बजे के पहले ऑर्डर मेरे को पड़ा था ना, तो इसका रेट तो कुछ भी नहीं मिल रहा यार, 6.4 किलोमीटर के सिर्फ 44 रुपये दे रहा है जोमेटो। और अच्छी बात ये है कि ये ऑर्डर लगा के ना, ये ऑर्डर साउथ सिटी की साइड देना है, और वहाँ से साउथ सिटी निकल जाऊँगा, उधर रश भी बहुत कम होगा और आराम से काम करते रहेंगे, उधर से ऑर्डर वगैरह भी गिर जाएगा। चलो भाई इसे डिलीवर करते हैं और 10 ऑर्डर पकड़ते हैं इसके बाद। मैंने बोला था ना यार साउथ सिटी से अपने को ऑर्डर गिर जाएगा, साउथ सिटी से कलसंग रेस्टोरेंट से अपने को ऑर्डर गिर चुका है, 2.2 किलोमीटर की पिकअप है और 5 किलोमीटर के करीब ड्रॉप है। अरे भाई ये लो मल्टी ऑर्डर हो गया, तो BRS नगर में देने जाना है भाई साहब, मल्टी ऑर्डर भाई 55 रुपये का, सही है भाई। तो अभी पिक करने जा रहा हूँ मैं, पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं इसको भी। तो यार दोनों ऑर्डर कर लिए पिक, बाजू बाजू में ही थे दोनों रेस्टोरेंट, लापिनोज पिज़्ज़ा एंड कलसंग, सही है भाई। एक देने 2.2 किलोमीटर और दूसरा होगा वहाँ से 3 किलोमीटर के करीब। चलो इसे देते हैं, अरे इधर से जाने देंगे, अरे शुक्र है रोका नहीं भाई, बिकॉज मेरे को ये वाली कॉलोनी में नहीं जाना, मेरे को इसके आगे वाली कॉलोनी में जाना है। अगर रोक लेते तो 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता मेरे को उधर फिरोजपुर रोड से घूम के ऐसे।
हेलो सर, थैंक यू। एक ऑर्डर तो हो गया अपना डिलीवर और दूसरा जाना है यहाँ से 3.5 किलोमीटर ओनली, तो इसे भी डिलीवर करते हैं। चलो चलो भाई, दोनों ऑर्डर हो गए डिलीवर। 57 रुपये मिले अपने को दोनों के। इसको कर देते हैं ऑफलाइन, गो ऑफलाइन, कंफर्म ऑर्डर डिलीवर्ड। इसके कितने मिले हमें, 56। सही है भाई, आज के दिन का लास्ट ऑर्डर डिलीवर कर दिया मैंने और अभी घर जा रहा हूँ। घर है यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर, तो घर तो जाना ही है भाई। ये बात बनी ना भाई, मज़ा आ गया भाई आज काम करके। अगर मैं 11 से 12 बजे वाली गिग भी अपनी कंप्लीट कर देता ना, तो भाई मैं अपना पर्सनल रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देता। आज तक मैंने एक दिन में ना 38 ऑर्डर डिलीवर किए हैं और आज 37 ऑर्डर डिलीवर कर दिए भाई। अगर मैं 11 से 12 बजे के बीच भी काम कर लेता ना, तो भाई मज़ा आ जाता यार, कसम से भाई बहुत मज़ा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, रात का टाइम है भाई, जेब में कैश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है ना, उस वजह से डर भी लग रहा है। तो अभी घर निकलते हैं सबसे पहले, और घर जाकर ना मेरे 2 या 3 स्पिन पड़े हैं, स्पिन करेंगे और आप लोगों को आज की अर्निंग भी दिखाऊंगा भाई। स्पिन में ना 2000 रुपये अगर निकल आए ना, तो भाई मज़ा आ जाएगा यार। 2500 और इंडिया की टी शर्ट, ये 3 बम्पर इनाम है। सो फाइनली यार मैं घर में पहुंच चुका हूं। अभी अपने जो 3 स्पिन पड़े हैं ना, उसको हम ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। स्पिन द व्हील, स्पिन द व्हील, स्पिन द व्हील, स्पिन द व्हील। अरे भाई 20-20 रुपए दे रहे हैं यार। एक और स्पिन कर लेते हैं, इसके बाद एक और बचेगा अपना। देखो फिर से 20 रुपए दिए इसने, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं सब कुछ। भाई 500 ही निकाल दो, 2000 नहीं निकालना। तो देखो भाई हर बार 20 रुपए से ज़्यादा दे ही नहीं रहे यार, 20 20 20। बस स्पिन भी ख़त्म हो गए, 60 रुपए की अपनी अर्निंग और बढ़ चुकी है। तो फाइनली यार मैं घर में पहुंच चुका हूं और अभी टाइम हो चुका है रात के 11:30। और जो अपना 32 ऑर्डर्स वाला ऑफर था वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग मैंने 15 घंटे में 37 ऑर्डर डिलीवर किए, जिसमें से हमारी 1308 रुपए की ऑर्डर अर्निंग हुई, 60 रुपए कस्टमर टिप मिली और 100 रुपये अपने को जो विन स्पिल वाला था ना, उसमें से 100 रुपये आए, क्योंकि मैंने 5 स्पिन किए थे, 5 बार 20-20 रुपए निकले। तो आप लोगों ने भी देखा, 3 बार तो आप लोगों के सामने निकाले, 20-20 निकले थे और 800 रुपए का अपना ऑफर। तो आज की टोटल अर्निंग हुई 22 समथिंग हुई, इधर स्क्रीनशॉट आ रहा होगा देख लेना। और जो अपना पेट्रोल लगा, तो आज यार पेट्रोल थोड़ा ज्यादा लग गया, क्योंकि 37 ऑर्डर कंप्लीट करने में भाई ऐसी तैसी तो होती है ना बाइक की भी, तो लगभग 300 का पेट्रोल भी लग गया अपना। तो 2200 में से 300 माइनस करेंगे, 1900 रुपया अपना आज का प्रॉफिट। तो भाई काफी बढ़िया गया आज का दिन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले।